ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। अब महंगे दिन खत्म, क्योंकि कांग्रेस की सरकार करेगी डीजल पेट्रोल सस्ते। अब महंगे दिन खत्म, क्योंकि कांग्रेस की सरकार करेगी मेरी रसोई गैस सस्ती। सुनो जी, अब बिजली बिल होगा कम, क्योंकि बिजली मिलेगी 1 रुपए प्रति यूनिट 100 यूनिट तक। अच्छा, तो फिर हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। अरे अम्मा, अब तो पूरे 1000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी तुमको। और भैया, आपके लिए भी आने वाला है नया सवेरा, जिसमें मिलेगी निशुल्क जमीन और घर बनाने में 2.5 लाख की सहायता भी। और इतना ही नहीं, आपके परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का बीमा और 21,000 रुपए की प्रसूति सहायता भी। और अब हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर होगा बड़े से बड़े रोगों का विशेषज्ञों द्वारा इलाज। तो बोलो, हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। जनता की उठी आवाज, कुशासन से लेंगे राज। भ्रष्टाचार प्रदेश में अब ना चलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। अब कांग्रेस, ओ अब कांग्रेस। प्रत्येक महिला को मिलेगा सुरक्षा कवच वाला स्मार्टफोन, और प्रदेश की बेटियों के लिए प्राइमरी से पीएचडी तक की शिक्षा होगी निशुल्क। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता। व्यापम होगा बंद और मिलेगा कारोबार के लिए आसान कर्ज। किसानों का कर्जा माफ और होगा बिजली बिल हाफ। व्यापारियों को मिलेगी सभी करों पे छूट एवं शुल्क में भी होगी कमी। मालवा से निकली आवाज, बुंदेलखंड ने किया ऐलान। बघेलखंड ललकारा है, निमार ने भी पुकारा है। महाकौशल ने दी आवाज, चंबल ने भी गुहारा है। वक्त बदलने वाला है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब परंपराएं टूट रही हैं, ऐसा ही वाकया संत नगर में हुआ। लोग उस समय हैरत में पड़ गए जब एक दुल्हन बारात लेकर जा रही थी। आम तौर पर दूल्हा बैंड बाजों और बारातियों के साथ बारात लेकर जाता है। इस प्रथा को तोड़ते हुए संत हिरदाराम नगर में शिखर गार्डन के पास रहने वाले मनोहर लाल की बेटी ऋचा काटेजा ने अपनी शादी में दुल्हन बनकर बैंड बाजों के साथ बारात निकाली। संत नगर के मुख्य बाजार से निकली बारात को देखने के लिए लोगों का हुजूम सा लग गया। घर वाले कंपैरिजन नहीं करते, लड़की और लड़कियों को इक्वली माना जाता है। बहुत बहुत अच्छी। क्या कहना चाहेंगी उन बच्चियों को? कि यही होना चाहिए कि किसी में कंपैरिजन पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। बच्चों को आज के टाइम पर लड़कियाँ बहुत आगे हर चीज। चार बच्चियां हैं, एक लड़का है। चारों बच्चों पे मैंने धूमधाम से छठी प्रोग्राम करा था और बारात भी ऐसी निकाली कि देखने लायक। लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं। कल के जमाने में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। हमारे लिए तो लड़कों की फिर भी नहीं निकालेंगे, लड़कियों की निकालेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम? चार बेटियों में एक बेटा है, लेकिन मैं बेटियों की इतनी बेटे की भी नहीं निकालूंगी। ऋचा ने बारातियों के साथ खूब डांस किया। ऋचा का कहना है कि दूल्हे की बारात तो निकलती है, लेकिन दुल्हन की क्यों नहीं? आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। मेरी इच्छा थी कि मेरी बारात निकले और यह सपना मेरे मम्मी पापा ने पूरा किया है। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज। अव्यापम बंद, अब नौकरियों में मिलेगी पारदर्शिता। हाँ पता है, अब करेंगे स्टार्टअप चालू, क्योंकि पूरे 4,000 रुपए महीना स्वरोजगार सहायता जो मिलने वाली है। बिल्कुल सही कहा, अब मुझे भी टेम्पररी संविदा नौकरी की टेंशन खत्म, अब मिलेगी पक्की नौकरी और पक्की तनख्वाह। और तो और, अच्छी सैलरी और जॉब के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जॉब्स यहीं आएंगे। कांग्रेस सरकार देगी हमारी तनख्वाह में 10,000 तक का योगदान। ये बात तो बोलो यारो, तुम्हारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। देखो अब मुझे मिलेगा सुरक्षा कवच वाला स्मार्टफोन। स्वावलंबी महिलाओं का वक्त बदलेगा, क्योंकि हमारे स्व सहायता समूह के भी कर्ज होंगे माफ और नए कर्ज में मिलेगी रियायत। अरे अब मेरी बेटी की संपूर्ण शिक्षा होगी निशुल्क, और अब महिला स्वास्थ्य में आएगी नई क्रांति, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन होंगे निशुल्क उपलब्ध। तो बताओ हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है, और ये गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।